अविनाश जी बेटी की शादी करके एकदम निश्चिंत हो गए थे। वैसे तो वो घर पर अकेले ही रहते थे, लेकिन घर के पिछवाड़े दूर दूर तक फैले हुए अपने खेत और बगीचे में वह व्यस्त रहा करते थे। हालांकि कभी कभी उन्हें अपनी पत्नी की कमी महसूस होती थी, लेकिन फिर भी वह अपना ध्यान दूसरे कामों में लगा लेते थे। उनकी पत्नी को गुजरे हुए 11 साल हो चुके थे। उसके बाद उनकी बेटी अंजलि ही उनकी दुनिया थी। उनके पास धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने अंजलि की शादी बहुत अच्छे परिवार में करवाई थी। एक दिन अविनाश जी अपने बगीचे में काम कर रहे थे, तभी सामने से उन्हें अंजलि आती हुई दिखाई दी। अंजलि को देखकर वह प्रसन्न हो गए, लेकिन जब अंजलि उनके पास आई तो बेटी की लाल लाल आंखें देखकर वह हैरान रह गए। अंजलि रोते हुए उनके गले लग गई और कहने लगी, पापा मेरे साथ ससुराल में बहुत गलत हो रहा है। कुछ दिनों पहले मेरे पति अजय की तबीयत खराब हो गई थी, वह हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में किसी और को रुकने की इजाजत नहीं थी तो मैं घर आ गई थी। दिन भर की थकी होने के कारण मैं कमरे में सोने के लिए गई, तभी ऐसा लगा जैसे कोई मुझे छू रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी तो मैंने देखा कि मेरे जेठ जी मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे थे। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई तो जेठ जी मेरी ओर बढ़ने लगे। मैंने कहा, जेठ जी ये क्या कर रहे हैं? तो वह कहने लगे, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बस एक बार मेरी बात मान जाओ। पापा आपको तो पता ही है कि जेठानी जी को गुजरे हुए कितने साल हो गए हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जेठ जी मुझे गंदी नजरों से देखते होंगे। मैंने गुस्से में कहा, जेठ जी अगर आपको ऐसी हरकत करते हुए कोई देख लेगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। आप अभी और इसी वक्त कमरे से बाहर जाइए। लेकिन वह मान ही नहीं रहे थे। फिर मैं ही किसी तरह कमरे से भाग गई। मैं बहुत डर गई थी। तभी जेठ जी के पास किसी का फोन आया और वह मुझे धमकाकर घर से बाहर निकल गए। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल में गई और मैंने अजय को सारी बातें बताई तो वह मुझ पर ही भड़क गया कि मैं उनके भैया पर गलत इल्जाम लगा रही हूँ। मैंने रोना धोना शुरू कर दिया और मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने पापा को सब बता दूंगी, तो अजय मुझे ही धमकाने लगे कि जा जाकर अपने बाप को सब बता दे, देखता हूँ कि वह क्या कर लेगा। इतना कहकर अंजलि बिलक बिलक कर रोने लगी। अविनाश जी बेटी की बातें सुनकर पत्थर की मूरत की भांति वहीं जमीन पर बैठ गए। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, तुम भीतर जाओ मैं कुछ सोचता हूँ। अंजलि अपने आंसू पोंछते हुए घर के अंदर चली गई तो अविनाश जी फूट फूट कर रो पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी ही करनी उनकी बेटी भुगत रही थी। अविनाश जी अपनी पत्नी के साथ बहुत कठोर व्यवहार करते थे। अपने माता पिता के बहकावे में आकर वह अपनी पत्नी को खूब मारते पीटते थे और उनकी पत्नी रोते हुए कहती थी कि तुमने तो मेरे पापा से वादा किया था कि तुम मुझे जिंदगी भर खुश रखोगे, तुम्हारा वो वादा कहाँ गया। तब अविनाश जी गुस्से में कह देते थे, हाँ तो क्या कर लेगी तू, जा अपने बाप को भी बता दे कि मैं तुझ पर अत्याचार करता हूँ तो देखता हूँ वो तेरे लिए क्या करता है। उस समय एक बेटी को कितना बुरा लगता होगा, बेटी की तकलीफ के बारे में जानकर एक बप को कितना बुरा लग सकता है, यह आज अविनाश जी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। क्योंकि आज वह खुद एक पिता के रूप में खड़े थे और उनकी बेटी इतने दर्द में थी। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि जो लड़की पति पर भरोसा करके पिता का घर छोड़कर पति की दुनिया संवारने के लिए जाती है, उसे अतः प्रेम देती है, अगर वही पति उनके साथ गलत करता है तो उस लड़की को कितना दर्द होता है। आज भले ही अविनाश जी बेटी का साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी इस दर्द से होकर तो अंजलि को ही गुजरना था ना। अंजलि के पिता ने उसका साथ तो दे दिया, लेकिन अंजलि की तकलीफें कुछ खास कम नहीं हो पाई, क्योंकि उसके पति ने कभी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया और उसने उसे अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया। अंजलि अजय से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अजय ने अंजलि की बातों पर भरोसा नहीं किया और उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया। अंजलि को भी ऐसे पति के साथ तो नहीं ही रहना था जिसे उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी यह चुभन तो उसके लिए जिंदगी भर के लिए रह गई कि उसके पति ने मुश्किल परिस्थिति में उसका साथ नहीं दिया और उसे तलाक देकर चला गया। अविनाश जी को हमेशा यही लगता था कि यह शायद उनके ही कर्मों का फल था जो उन्हें आईना दिखाने के लिए आया था। दोस्तों, एक पति के रूप में कभी भी अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। किसी की बेटी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे रुलाने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर किसी और की बेटी की जगह खुद की बेटी होगी तो उसे भी तो इतना ही दर्द होता। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।